ओबामा की भारत यात्रा से नवाज शरीफ मायूस। अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा ने जब फोन पर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को गणतंत्र दिवस समारोह में भारत आने के बारे में बताया तो वे काफ़ी मायूस हो गए। शरीफ ने ओबामा से कहा है कि भारत यात्रा के दौरान वे भारतीय नेतृत्व के समक्ष कश्मीर का मुद्दा उठाएं, क्योंकि इस मुद्दे का शीघ्र समाधान एशिया में स्थायी शांति, स्थिरता, आर्थिक सहयोग के लिए महत्वपूर्ण है। खुद को अलग थलग महसूस कर रहे शरीफ ने अमेरिकी राष्ट्रपति को इस साल वाशिंगटन में पाकिस्तान आने के लिए दिए गए न्योते के बारे में याद दिलाया और उन्हें यह बताया कि पाकिस्तानी आवाम भविष्य में ओबामा का स्वागत करने की आकांक्षी है। कश्मीर में चल रहा है लूटने का कॉन्ट्रैक्ट, ये कहना है नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू के किश्तवाड़ में एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए जम्मू कश्मीर के अब्दुल्ला परिवार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कश्मीर में लूटने का 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट चल रहा है। बीते 10 सालों में राज्य की हालत बहुत खराब हुई है, लेकिन अब यहाँ के लोग विकास की बात सुनना चाहते हैं। मोदी ने कहा कि मेरे लिए हर कश्मीरी अपना है, चाहे फिर वह किसी भी संप्रदाय का क्यों न हो, मैं सबका भाग्य बदलने आया हूँ। अब नहीं मिलेगी अमीरों को गैस सब्सिडी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है कि सरकार धनी लोगों को रसोई गैस सिलेंडर पर दी जा रही सब्सिडी बंद करने पर विचार कर रही है। जेटली ने राजधानी दिल्ली में आयोजित एक समिट में सवालिया लहजे में कहा कि भारत को महत्वपूर्ण निर्णय लेना है कि क्या मेरे जैसे लोगों को LPG सब्सिडी मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जितनी जल्दी हम इस बारे में फैसला करेंगे कि किसे सब्सिडी मिलनी चाहिए, वह हमारी प्रणाली के लिए उतना ही बेहतर होगा। फिलहाल उपभोक्ताओं को 1 वर्ष में सब्सिडी वाले 12 सिलेंडर मिलते हैं।